हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक गणित रूल से टेबल लिखना सीखेंगे। किसी भी टेबल को हम कैसे शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए हुए, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या है, निखिलम नवदश चरमम दस्ता एकाधिके कुर्वे, यानी कि चरम अंक को दस में घटाना है, बाकी सारे को नौ में घटाना है, और साथ साथ एकाधिक एकाधिक के बारे में बताया गया है। किसी भी अंक का अगर एकाधिक निकालना हो तो क्या करते हैं, उस अंक पे क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। जैसे 5 का एकाधिक निकालना हो तो 6 कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हमें किसी का टेबल निकालना हो, 28 का अगर टेबल लिखना हो, तो सबसे पहले हम प्रचालक निकालते हैं। अब प्रचालक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले यही देख लेंगे। प्रचालक क्या होता है, इस सूत्र से निकालते हैं। क्या है, चरम अंक को दस में घटाना है, नवतस चरमम दस्ता, यानी कि चरम अंक होता है वंस प्लेस पे जो नंबर हो उसी को चरम अंक कहा जाता है, यानी कि इसको दस में घटा लेना है। दस में घटाएंगे कितना आएगा, दो आएगा। इसके बाद फिर दिया है बाकी सभी अंकों को नौ में घटाना है, यानी कि नौ में से सात घटा लीजिए, नौ में से दो घटा लीजिए तो सात आ गए। ये घटाए हैं इसीलिए दोनों में माइनस का साइन लगाएंगे ऊपर में, और साथ साथ क्या है, एकाधिकेन पूर्वे, यानी कि इसके जस्ट आगे हम क्या करेंगे, एकाधिक करेंगे। ठीक है, अब ये प्रचालक आ गया है, इसकी मदद से हम आसानी से कोई भी पहाड़ा या कोई भी टेबल को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 प्रचालक को घटाते जाएंगे और बाकी सारा नंबर आते जाएगा। 8 में से 2 माइनस के 6 आया, अब 2 में से 7 माइनस होने वाला नहीं है, में से क्या बचा है, माइनस होगा नहीं, तो ये जो एकाधिक है इससे हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ 2 में से 7 माइनस होने वाला था नहीं, तो एकाधिकेन पूर्वेन का जो एक आगे हम लगाते उससे क्या करेंगे, एक ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस कीजिए कितना आएगा, 56। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर से ये जो नंबर आया उसमें से प्रचालक को घटाएंगे। फिर से सुनिए, क्या है, जो भी नंबर आते जाए उसमें से हम प्रचालक को अगर घटाते जाते हैं तो हमारा अदर नंबर निकलते जाता है। जैसे कि 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ गया, अब फिर से देखा जाए यहाँ पे क्या है, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, 5 में से क्या होगा, 7 माइनस नहीं होने वाला है। तो ये जो एकाधिकेन पूर्वेन हमें करना था इससे हम क्या करेंगे, एक एकाधिक आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 की जगह 5 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 7 घटा लीजिए कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, फिर से वैसे ही तो 2 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 में से 4 में से 2 माइनस किया गया तो आया हमारे पास क्या, 2 आया। फिर 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में से 7 माइनस के 1। अब देखिए 8 में से आसानी से 7 माइनस हो गया, 8 में से 7 घट जाता है। तब क्या करेंगे, जब नंबर नहीं घटता हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे से यानी एकाधिकेन पूर्वेन जो करेंगे उससे क्या करते हैं, एक आगे वाले को दे देते हैं। अब जब आसानी से घट जाए तो क्या करेंगे, ये जो एकाधिकेन पूर्वेन है वो आगे लिख देंगे। एकाधिकेन पूर्वेन मतलब यहाँ पे कुछ अगर मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब जो बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 पे एकाधिक किया जाए, यदि 0 में 1 जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से कीजिए, 2 में से 2 माइनस कीजिए 4 आया। अब 1 में से फिर से हमारा क्या, 7 माइनस नहीं हो रहा है, 1 में से 7 माइनस नहीं कर होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 11 में से 7 माइनस करें, 11 में से 7 माइनस किए तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब 11 कैसे आया, तो एकाधिकेन पूर्वेन जो करते उसका 1 यहाँ डाले थे, यहाँ पहचान डाले थे, अब क्या है, जब पहचान डाल दिए तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर से 0 में से 2 माइनस किया जाए कितना होगा, तो 0 में से 2 माइनस होने वाला है नहीं, तो 0 को हम अप्रॉक्स क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आया। ठीक है, अब अगर इससे एक इसमें दे दिया गया, यानी इससे एक पैचा अगर इसमें हम दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 में से 7 माइनस होने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे, 13 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा, 3 3 6। अब फिर से हमें क्या, दूसरे से पैचा लेना पड़ा था, इसलिए जो एकाधिकेन पूर्वेन होगा वो नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब फिर से कीजिए, 8 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा।
सिक्स में से सेवन फिर से माइनस नहीं होगा, तो सिक्स में से सेवन नहीं माइनस हुआ तो हम क्या करेंगे, सिक्सटीन में से सेवन माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, नाइन आएगा। अब फिर से हम दूसरे से पहचान लिए थे, तो जो एकाधिकेय पूर्णन होने वाला था वो नहीं हुआ, वो नहीं होगा तो डायरेक्ट जो आगे अंक है वो लिख लेंगे, वन का वन लिखा गया, ठीक है। फिर क्या है, सिक्स में से टू, सिक्स में से टू माइनस किया गया फोर, नाइन में से सेवन आसानी से माइनस हो गया, कितना गया टू। अब नाइन में से सेवन माइनस हो गया, अब यहाँ पे एकाधिकेय पूर्णन होंगे, यानी कि जहां पर आसानी से नंबर क्या हो माइनस हो जाए वहां पर हम क्या करेंगे, एकाधिकेय पूर्णन करेंगे, यानी यहाँ एक का एकाधिक करेंगे तो कितना आएगा, दो आएगा, ठीक है। अब चार में से दो घटाएंगे कितना आएगा, दो आएगा। फिर देखिए यहाँ पे वही केस आ गया, दो में से सात, दो में से सात नहीं घटने वाला, तो हम बारह में से सात घटाएंगे, बारह में से सात घटाए तो कितना आया, थ्री टू फाइव। अब जब बारह में से, यानी इससे हम एक पहचान लिए, तो इसका जो एकाधिक हो रहा था वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी होगा ही नहीं, तो टू लिख लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, टू में से टू माइनस किया गया जीरो, फाइव में से फिर देखिए यहाँ पे फाइव में से सेवन माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन में से सेवन माइनस किया तो एट आ गया। अब जब इसमें ये सेवन माइनस नहीं हो रहा था तो क्या करना था, जब इसमें से सेवन माइनस नहीं हो रहा था तो इससे लिया ये पहचान, तो इसका जो एकाधिक होने वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो एक आगे बढ़ने वाला था वो तो दूसरे को दे दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने आसानी से बिना मल्टीप्लाई किए हुए आसानी से हम कैसे टेबल को लिखे, ठीक है। इसके बाद एक दो और टेबल लिख लेते हैं, इससे हम कितने भी बड़े अंक को आसानी से, कितने भी बड़े अंक का अगर टेबल निकालना हो या पहाड़ा लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं, चाहे वो 98 हो, 198 हो, 228 हो, कुछ भी लिख सकते हैं, 225 हो, 26 हो, 36 हो, कुछ भी, ठीक है। तो अभी हम लेके चलेंगे छोटा ही 38 का, चलिए 36 कर देते हैं, 36। सबसे पहला, फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, क्या है, सबसे पहला किसी का अगर टेबल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रचालक निकालेंगे। प्रचालक निकालने के लिए क्या किया जाता है, वंस प्लेस से वंस प्लेस को 10 में माइनस किया जाता है, बाकी अदर अंक को 9 में माइनस करके लिखा जाता है, यानी प्रचालक निकालने के लिए चरम अंक में अंक को 10 में घटाना पड़ता है, बाकी अंक को 9 में घटाना पड़ता है, यानी 10 में से 6 घटा तो कितना आया 4, और 9 में से 3 घटा कितना आएगा 6, और ये तो पता ही है एकाधिकेय पूर्णन, ठीक है। अब क्या है, बताया गया था इसमें से इसको माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, अब 3 में से 6 माइनस होगा नहीं तो आराम से 30 में 6 माइनस करेंगे, 30 में से 6 माइनस किया जाए कितना आएगा 7। अब 13 लिया गया, 13 इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो एकाधिकाधिक होने वाला था इससे एक ले लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एकाधिकेय पूर्णन नहीं हुआ है। यानी आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि एकाधिकेय पूर्णन यहाँ पे लिखा गया है लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 में से 6 माइनस नहीं होने वाला था, तो जो एकाधिकेय पूर्णन में जो एक था उससे क्या किया गया, इसे एक पहचान दिया गया, यानी 13 ले लिया गया। क्लियर है आप लोगों का, चलिए आगे करते हैं। 2 में से फिर 4 देखिए, अब देखिए 2 में से 4 माइनस होगा नहीं तो क्या नहीं होगा, 2 में से 4 माइनस नहीं हुआ तो 12 कर लेंगे, 12 में से 4 माइनस किए 8 आ गया। अब इससे कैरी लेकर किया गया था तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 हो गया। अब 6 में से 6 माइनस हुआ 0, जब 6 में से 6 आसानी से माइनस 0 हो गया तो आगे हम क्या कर सकते हैं, एकाधिकेय पूर्णन यानी कि 1 डाल देंगे, ठीक है। अब 8 में से 4 माइनस होगा 4 होगा, ठीक है, 0 में से 6 माइनस होने वाला नहीं है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे तो आगे जो यहाँ 1 है वो क्या करेंगे, इसे दे देंगे तो इसका हो जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस हुआ 4, ठीक है, एकाधिक होगा नहीं क्योंकि हम दूसरे से यानी एकाधिक वाले से एक कैरी ले लिए हैं पहले। अब फिर 4 में से 4 माइनस हुआ 0, ठीक है, 4 में से 6 माइनस होने वाला है नहीं, नहीं होगा, जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, 14 में से 6 माइनस कर लेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब इससे कैरी ले लिया गया तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 0 में से 4 माइनस होगा, होगा नहीं होगा तो क्या करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 6 हमारा,
इससे एक कैरी ले लिया गया था, तो ये हमारा क्या हो गया 7, 7 में से 6 माइनस वो आसानी से 1, जब 7 में से 6 आसानी से 1 हो गया तो क्या किया जाएगा आगे वाले में एकाधिक कर लिया जाएगा, तो यहाँ हमारा 1 था, 1 का एकाधिक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ गया आसानी से, 1 में से 6 माइनस होने वाला है नहीं, 1 में नहीं होगा, तो क्या करेंगे 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इससे कैरी लेके किया गया 2 वाले से, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, एकाधिक नहीं होगा। अब 2 में से 4 माइनस होगा नहीं, क्या करेंगे इससे कैरी लेंगे, तो 12 में से 4 माइनस किए 8 हो गया, जब 8 हो गया हमारे पास तो ये हमारा इससे कैरी लिया गया था, ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, 4 में से 6 फिर से देख रहे हैं कि नहीं माइनस हो रहा है, तो क्या करेंगे 14 में से 6 माइनस करेंगे, 14 में से 6 माइनस किया जाएगा तो 8 आ गया, ठीक है। अब इससे कैरी लिया गया था तो ये 2 का 2 ही रह गया, ठीक है। 8 में से 4 माइनस किए तो कितना आया 4 आ गया, क्लियर है, 8 में से 4 माइनस किया गया 4 आ गया। फिर यहाँ क्या है, 8 में से 6 आसानी से माइनस हो रहा है, तो 8 में से 6 माइनस हो 2, जब आसानी से माइनस हो तो क्या करेंगे आगे वाले में एकाधिक कर लेंगे, यानी 2 का यहाँ 3 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद क्या है, 4 से 4 को माइनस किए तो 0, 0 हो गया, 2, 2 में से 6 माइनस होने वाले नहीं है, नहीं होगा, तो क्या करेंगे 12 में से 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस किए 6, अब जब आगे वाले से कैरी ले चुके हैं तो एकाधिक होने वाला है नहीं, क्योंकि उसका जो एक था वो हम छीन लिए हैं, तो यहाँ पे 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को आज टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और यूनिक लाऊंगी, ठीक है, आज के लिए इतना ही।